टाइम तो बचेगा था ऐसे तो करके। चलो यार सर के पास ही चलते हैं पूछ लेते हैं। आगे बच्चे कैसा था बच्चों? कैसा था पेपर? बढ़िया बढ़िया था। पहले से फिजिक्स पहले से अच्छा फिजिक्स का लेवल बढ़िया था। चलो ड्रॉप करने का फायदा तो होता ही है ना, ड्रॉप करने का बेनिफिट तो तुमने फिर ड्रॉप किया। पिछले साल तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहे हो। अच्छा क्या ऑलमोस्ट ठीक है? एक दो क्वेश्चन जैसे ये गलत कर रखा है। जो टेंशन फ्री होके पढ़ता है, टीचर पे फेथ करता है, वो क्वालिफाई करता ही है ना। जो इधर उधर फालतू किताबें वगैरह करते हैं उनको ही प्रॉब्लम है। अब इनके चेहरे से लग रहा है कि 650 से ऊपर आने ही है। लास्ट ईयर भी हम लोग 28 सैनी वाले बैच में इसी तरह चेक कर रहे थे तो समझ में आ गया था कि भाई 690 लगभग पता लगा कि उसके 705। आप खुशी है? बढ़िया है। चलो पार्टी करते हैं फिर, तो बहुत अच्छा हुआ यार। थैंक यू सर। ठीक है चलो ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर। हे माई सेल्फ आयुषी, स्टूडेंट ऑफ जेनेसिस क्लासेस और एंड आई गॉट 655 मार्क्स इन नीट। इट इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट और मैं पिछले 2 साल से यहाँ जेनेसिस में हूँ। मैंने प्लस वन प्लस टू में कोई तैयारी नहीं की थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था नीट के बारे में कि MBBS के लिए नीट करना होगा। हाँ बट मेरा ये कन्फर्म था कि जो मेरा एम है डॉक्टर बनना, वो मुझे ज़रूर बनना था। मेरी कोई गाइडेंस नहीं थी इस फील्ड में, ना ही मेरी फैमिली को, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ मैं फर्स्ट मेंबर हूँ अपनी फैमिली की जो शायद MBBS के लिए होंगी। अब तक कोई मेडिकल फील्ड इस साइड में नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा हेल्प, सबसे बड़ी जो गाइडेंस मेरे पेरेंट्स की, जेनेसिस की टीम की, और हाँ मेरी सिस्टर जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी, मेरी सिस्टर, अपनी सेकंड मदर का दर्जा दूँगी उसे, क्योंकि जितनी हेल्प मेरी मदर ने मेरे लिए की है उतनी ही उसने भी की है। फिर कहीं ना कहीं फ्रेंड्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व रहे, इंडल्ज रहे। मेरी फिजिक्स कुछ हद तक बहुत बेकार रही थर्ड फर्स्ट ड्रॉप में। सेकंड ड्रॉप में मैं हैक की हेल्प ली, उसने फिजिक्स सॉल्व करवाई, मेरी टीचर्स के साथ कांटेक्ट रहा, बहुत अच्छे से किया, अपनी जो भी कमी रही हर टीचर को बताई, किसी से छुपाई नहीं। चाहे मेरी छोटी सी छोटी मिस्टेक हो, जितनी मर्जी छोटी सी मिस्टेक हो या बड़ी हो, जितेंद्र सर से हर टाइम अपनी बात शेयर की, DNG सर से, बायोलॉजी टीचर से और करण सर से, रविशंकर सर से। हाँ थोड़ा फिजिक्स में मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती थी कभी कभी, बट मुझे पता था अपनी गलती का, उसको मैंने ओवरकम किया। एंड तक आते आते मुझे फिजिक्स में ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। थोड़ा सा डीमोटिवेट फिर मैं केमिस्ट्री की तरफ हो गई थी, लेकिन एंड में मैंने वो भी रिकवर किया। बायोलॉजी मेरी स्टार्टिंग से ही ठीक रही, बट सब कुछ होपफुली लास्ट में ठीक हो गया। और स्पेशली थैंक्स अपने फादर का करूँगी, क्योंकि जब 10th तक मुझे ये था मुझे डॉक्टर बनना है, बनूँगी, बट कुछ नई नॉलेज थी मुझे, उनको भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं फिर वो रिग्रेट हुआ कि हमें नहीं पता था नीट के बारे में, इवन क्या करना है क्या नहीं। फिर प्लस वन प्लस टू के बाद की कोचिंग ली, थोड़ा थोड़ा हुआ, टीचर्स भी हेल्प करे। फिर मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स थोड़ा कम रह गए, 580 अप्रॉक्स थे। फिर थोड़ा डीमोटिवेट हुई, लेकिन मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेशली फादर ने कहा तू किसी और के लिए नहीं पढ़ रही, तू अपने लिए पढ़ रही है, तू किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रही स्पेशली, तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ रही है, तो दोबारा ट्राई कर ले। अगर एक साल में 392 से 580 आ गया तो अगले साल में मेहनत कर और अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में वही हुआ, थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स, एंड अगेन I likely to mention my sister. Thank you all for your support. और चाहूँगी आगे भी ऐसा ही रहे। और बाकी जो मेरी स्टोरी है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे रहे, सपोर्टिव रहे,
वो मैं रिजल्ट के बाद जरूर शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। मैं माइसेल्फ आयुषी और मेरे नीट में 658 मार्क्स है और बिल्कुल हाँ जी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इस साल जरूर मिलेगा। 2 साल की मेहनत है, डबल ड्रॉपर है, पिछले साल 560 थे, इस बार और मेहनत की, पेरेंट्स का साथ रहा, टीचर्स का साथ रहा, जेनेसिस टीम को थैंक यू करूँगी, मम्मी को, पापा को, सबको थैंक यू करूँगी। आज मैं इस मुकाम पे यहाँ सर के साथ केक काटने की खुशी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हूँ। आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितनी खुशी? मेरा